सब्स्क्राइब करा इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला आणि बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील. नमस्कार मित्रांनो, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपासून 3.5 किलोमीटर अंतरावर आहे सरदार सरोवर धरण. का महत्त्वाचं आहे हे धरण, किती मोठं आहे हे धरण आणि हे धरण बांधताना कोणत्या अडचणी आल्या ते पाहूया इनक्रेडिबल मेमरी चॅनलच्या या व्हिडिओमध्ये. आता आपण श्रेष्ठ भारत भवन इथून स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या बसने सरदार सरोवर धरणाचे व्ह्यू पॉइंट्स बघायला निघालेलो आहोत. आणि आता आपण पोहोचलो आहोत सरदार सरोवर धरणाच्या व्ह्यू पॉइंट नंबर 3 वरती. हे सर्व व्ह्यू पॉइंट्स डिसेबल फ्रेंडली आहेत, म्हणजेच इथे व्हीलचेअरची सुविधासुद्धा उपलब्ध आहे. हे व्ह्यू पॉइंट्स बघण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही आहे. तुमच्या व्ह्यूविंग आणि गॅलरी तिकिटामध्येच त्याचं शुल्क समाविष्ट आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे कोणतेही शुल्क द्यावं लागणार नाही. व्ह्यू पॉईंटच्या आसपासच्या परिसरामध्ये बरेच छोटे छोटे शॉप्स आहेत, जिथे तुम्हाला स्नॅक्स, पाणी बॉटल सहज उपलब्ध होईल. भारतात सर्वात मोठा जलसाठा असलेल्या धरणाच्या यादीमध्ये 4थ्या क्रमांकाचे धरण आहे सरदार सरोवर धरण. नवग्राममधील नर्मदा नदीवर हे धरण बांधण्यात आलेलं आहे आणि हे धरण बांधण्यासाठी 1987 ते 2017 इतका मोठा कालावधी लागला. या धरणाची उंची 163 मीटर आहे आणि लांबी 1210 मीटर आहे. धरणाचा जलसाठा 335 TMC इतका प्रचंड आहे. धरणाची वीज निर्मिती क्षमता 1450 मेगावॅट एवढी आहे. या धरणाला विसर्गासाठी मुख्य 30 दरवाजे आहेत. धरणातून गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना पाणी आणि वीज पुरवठा केला जातो. धरणावर वीज निर्मितीसाठी 11 टर्बाईन्स बसवलेली आहेत. या धरण निर्मितीसाठी 57 वर्षांचा वेळ लागला, कारण धरण निर्मितीबाबत कोर्टात केस सुरू होती. 5 एप्रिल 1961 पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या हस्ते या धरणाचे भूमिपूजन झालेले होते. त्यानंतर या धरण निर्मितीबाबत अनेक आंदोलनं झाली आणि कोर्टात केसही उभी राहिली. बरीच वर्ष ही केस चालू होती आणि कोर्टातून केस संपल्यानंतर 1987 धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आणि 2017 हे धरण बांधून पूर्ण झाले. या धरणाबाबत अधिक माहिती आपण इथल्या गाईडकडनंच जाणून घेऊया. नमस्ते, मेरा नाम सुरक्षा है और अभी हम जो खड़े हैं ये डैम का व्यू पॉइंट है, यानी कि सरदार सरोवर डैम को पास से देखने का व्यू बना है. तो हम खड़े ये माउंटेन रेंज है, विंध्याचल है और रिवर के सामने की रेंज सतपुरा है. तो सतपुरा रेंज में 6 किलोमीटर आगे जाने पर महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है और हम खड़े यहाँ से 45 किलोमीटर आगे MP बॉर्डर है. तो नर्मदा रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम MP और यही डैम बना है नर्मदा रिवर के ऊपर. तो यही पानी आगे जाके लाहौर में अरेबियन सी में मिलता है. तो ये जो डैम बनने से जो वाटर स्टोरेज है, जो अभी के वक्त में डैम के अंदर 120 मीटर समथिंग वाटर लेवल है और डैम का फुल रिजर्व कैपेसिटी है 138 मीटर. तो ऊपर में आपको व्हाइट पियर्स के बीच में गेट्स दिख रहे हैं. तो गेट का जो टॉप लेवल है वहीं तक फुल भरने पर पीछे में एरिया कवर करेगा 214 किलोमीटर. और जब बारिश होती है गेट ओपन करने पड़ती है तो एक गेट से 1 लाख क्यूसेक पानी गिरता है. तो ऐसे 30 गेट है तो 30 लाख क्यूसेक पानी गिरेगा. तो पानी के झिल की वजह से इस जगह पर रुकने पर 2 महीने से पहले ही आप भीग जाओगे. और यही पानी फ्लो होने के बाद डाउन में जा रहा है आगे अरेबियन सी, जो यहाँ से 149 किलोमीटर है. और जो स्टोरेज जो वाटर है वही पानी का यूज अभी हो रहा है इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी. तो हाइड्रो पावर प्लांट जो बनाया गया है, सामने आपको ये रेड बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, उसके नीचे 350 फीट डाउन में बना है रिवर विल पावर हाउस से, और जिसके अंदर 200 मेगावाट के 6 टर्बाइन है. यानी कि टर्बाइन को इंपोर्ट किया था जापान से, तोशिबा हिताची कंपनी की टर्बाइन से. तो टर्बाइन लोकेशन इज -11 मीटर डाउन और बैकसाइड एरिया स्टोरेज वाटर. तो डैम का ये जो वॉल दिख रहा है जो नो फ्लो सेक्शन है, वही वॉल के अंदर 110 मीटर पे 6 पेंचस्टोक रखे हैं. तो पेंचस्टोक के थ्रू वाटर टर्बाइन के ऊपर रिलीज होगा 350 फीट डाउन में और टर्बाइन को रोटेट करेगा 136 RPM. एंड वही वाटर हमारे नीचे 3 टनल्स बनी है जिसके थ्रू पानी जस्ट नर्मदा रिवर में निकलता है. और यही डैम के ऊपर के हिस्से में
सेकेंड पावर हाउस बना है केनाल हेड पावर हाउस है और जिसके अंदर 250 मेगावाट बिजली बनती है और वही पानी का डाइवर्जन डैम से राइट साइड में 4 रॉकफिल डैम बनाए गए और वही पानी को केनाल में डाइवर्ट किया है। तो नर्मदा केनाल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है राइट बैंक केनाल है और केनाल का कैपेसिटी है 40,000 क्यूसेक एंड वही वाटर को विदाउट पंपिंग पहुँचाया गया सौराष्ट्र में मारिया तक और वही से लिफ्ट करके पानी कच्छ में दिया है। तो गुजरात में नेटवर्क रहेगा 458 किलोमीटर का और 74 किलोमीटर केनाल इन राजस्थान। तो राजस्थान में बाड़मेर और जालौर तक ये पानी जाता है। तो सबसे ज्यादा इरिगेशन का फायदा होता है गुजरात में 18 लाख हेक्टर 75,000 हेक्टर राजस्थान एंड 37,000 हेक्टर महाराष्ट्र लिप इरिगेशन है। जबकि जो बिजली बनती है यहाँ पे हर घंटे 1450 मेगावाट जिसमें से 3 स्टेट को बिजली दी जा रही है। तो गुजरात में 16%, 27% महाराष्ट्र और 17% मध्य प्रदेश को दी जा रही है। और यही डैम बनाते समय जो सीमेंट कॉन्क्रीट का यूज किया गया है जिसमें ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डैम क्योंकि ये डैम के अंदर 300 करोड़ सीमेंट बैग और 1,00,000 टन लोहा गया है और वही मटेरियल बनाया जाता है पानी की जगह इसके अंदर और वही मटेरियल को लाने के लिए यहाँ पे रोपवे भी रखा हुआ है। तो ऊपर में आपको सामने 2 टावर दिख रहे ऐसे पे लगे तो टावर है 2 केबल क्रेन और यही क्रेन को 1988 में जर्मनी से इंपोर्ट किया था। केबल का डाया जो है 4 इंच का है एंड 1567 मीटर विदाउट ज्वाइंट केबल है और जब ये 28 टन ये क्रेन जब कैरी करती है तभी दोनों साइड पे लगे टावर खुद के बैलेंस के लिए मूवेबल है 400 फीट क्योंकि यही डैम का जो बेस 400 फीट थिकनेस में है एंड टॉप ऑफ इट 30 फीट पिरामिड जैसा। तो हाइट में ये प्रोजेक्ट इंडिया में 3rd नंबर और मटेरियल यूज में वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि अहमदाबाद टू बेंगलोर तक का एक नेशनल हाईवे बन जाए उतना मटेरियल ये डैम के अंदर यूज हुआ है। और यही डैम बनाने का जो विचार दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इन 1946 में और 1961 में डैम का फाउंडेशन स्टोन रखा गया जो यहाँ से 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम नवागांव के पास पर वहाँ पे लो हाइट के कारण डैम का रिलोकेट किया। तो रिस्टार्ट वर्क इन 1979 एंड 2017 में डैम का इनोग्रेशन मोदी साहब ने किया। और अब ये पॉइंट देखने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वैली ऑफ फ्लावर्स जो बना है 1.5 किलोमीटर डाउन में। अमेरिकेतील ग्रँड कुली धरणानंतर सरदार सरोवर धरण हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे धरण ठरलेले आहे। या धरणाच्या प्रत्येक दरवाजाचे वजन 450 टनपेक्षा जास्त आहे। हे दरवाजे पूर्णपणे बंद करण्यासाठी सुमारे 1 तासाचा वेळ लागतो। सरदार सरोवर धरण व्ह्यू पॉइंट 3 वरून आता आपण पोहोचलो आहोत सरदार सरोवर धरण व्ह्यू पॉइंट 1 वरती जो व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सच्या अगदी जवळ आहे। हे धरण किती मोठं आहे याचा अंदाज या व्ह्यू पॉइंटवरून आपल्याला येतो। संध्याकाळी 7:30 स्टॅच्यू ऑफ युनिटीवरती जो लेझर शो होतो तिथे SOU कॅम्पसमध्ये जर तुम्हाला जागा मिळाली नाही तर या व्ह्यू पॉईंटवरती येऊन तुम्ही स्टॅच्यू ऑफ युनिटीवरचा लेझर शो पाहू शकता। मित्रांनो तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या इनक्रेडिबल मेमरी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकनवरती सुद्धा क्लिक करा जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद। तर मंडळी कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की कळवा आणि आपल्या या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।
भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.